ये नकली सलमान खान की तस्वीरें शायद आप में से कई लोगों ने जरूर देखी होंगी, खूब मजे लिए होंगे। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने सड़कों पर यूं तमाशे के वीडियो अपने दोस्त रिश्तेदारों को भी चटकारे लेते हुए फॉरवर्ड किए होंगे, मगर थम जाइए क्योंकि अब जो खबर हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं उस खबर को बहुत ध्यान से देखिएगा, और वो लोग खास तौर पर ध्यान से सुनिएगा जो योगी के काम करने के तरीके पर हर बात पर मेन मिक निकालते हैं, दिक्कत देखते हैं, क्योंकि योगी के एक्शन पर जिनके पेट में दर्द होता है वो तो जरूर देखिएगा। योगी अब ऐसा करने जा रहे हैं जो यूपी के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, आज तक किसी ने भी ना सोचा होगा, ना देखा होगा, ना सुना होगा। तो क्या करने जा रहे हैं योगी, बस ध्यान से देखते जाइए। अब कोई नकली सलमान सड़क पर यूं नहीं नाच पाएगा। सीएम योगी ने यूपी का कानून ही बदल डाला। योगी ने पुलिस को दिया फ्री हैंड, बोल दिया गलती करे तो छोड़ना मत। अपराधी माफिया मंचले सड़क छाप, छोटपैया नेता हो जाओ सावधान, क्योंकि फिर आ रहा है बाबा का बुलडोजर। हाल ही में सड़कों पर वीडियो बनाता फर्जी सलमान खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये नकली सलमान खान लखनऊ की सड़कों पर अक्सर वीडियो बनाता था, लेकिन पुलिस ने उसकी इस हरकत के लिए कुछ दिन पहले उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का ये संदेश भले ही कुछ लोगों के लिए छोटी सी कार्रवाई हो, मगर ये छोटी मोटी कार्रवाई नहीं, बल्कि इस कार्रवाई में एक बहुत बड़ा संदेश छिपा था, क्योंकि रोड सेफ्टी को लेकर योगी ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। योगी सरकार ने ये तय कर लिया है कि रोड सेफ्टी का मामला सिर्फ परिवहन विभाग में ही नहीं आएगा, बल्कि गृह विभाग यानी कि योगी खुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि मसला रोड सेफ्टी तक सीमित नहीं है, रोड सेफ्टी के साथ साथ सड़क पर बेटियों की सुरक्षा से भी जुड़ा है। पहले आप सीएम योगी का ये बयान सुनिए, फिर उसके बाद आपको एक और योगी का बहुत बड़ा बयान सुनाएंगे, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि क्या माफिया अपराधी सड़क छाप गुंडे उनका एनकाउंटर होने की तैयारी हो रही है। लेकिन पहले योगी का ये बयान सुनिए कि सड़क स्टंट करने की जगह नहीं है। ओवर ब्रिजेज या फ्लाईओवर के ऊपर जो स्टंट होते हैं, जो युवा स्टंट कर रहे हैं अपने बाइक से, हर हाल में इसको रोकना केवल परिवहन विभाग का कार्यक्रम नहीं है। हमने इसलिए गृह विभाग को इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी दी है। गृह विभाग पीए सिस्टम के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस को भी ठीक करेगा। व्यक्ति स्टैंड के नाम पर, तब वहां पर प्रशासन से अनुमति लेकर के तब तो स्टैंड की फीस वसूल कर सकता है, लेकिन अगर सड़क पर कोई करता है तो उस पर अवैध रूप से संचालित इस प्रकार के सभी, वो अगले 24 घंटे के अंदर बंद होने चाहिए। बंद होने के साथ ही हमें सुनिश्चित करें कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के उसको करने का अभ्यस्त है तो उसमें FIR लॉन्च करके, गैंगस्टर के अंदर FIR लॉन्च करके उसमें फिर हमें उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करना चाहिए। उसने इस प्रकार के अवैध वसूली से जो पैसा कमाया है वह राजकोष में वो पैसा आना चाहिए। इसकी कार्रवाई हमारी आगे बढ़ जानी चाहिए, इसलिए अवैध रूप से स्टैंड नहीं चलेंगे। चलिए अब एक और खबर जान लीजिए। दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों में माफियाओं पर नकेल कसते हुए 500 करोड़ की संपत्ति हासिल करने का लक्ष्य था, जिसमें 50 दिनों के भीतर अब तक 50 माफियाओं और उनके घुर्गों से 594 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। 2 साल में यूपी के 50 माफियाओं की 1200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जाएगी। बुलडोजर चलेगा, खूब चलेगा। मुख्तार अतीक और हाजी इकबाल ही नहीं, बल्कि उनके जैसे माफियाओं की करोड़ों की संपत्ति जब्त की जाएगी। खनन माफिया, शिक्षा माफिया, वन माफिया और देश विरोधी गतिविधियां चलाने वालों पर बुलडोजर चलेगा। खबर यह है कि योगी सरकार में पुलिस अपराधियों की फिर से लिस्ट तैयार कर रही है, जो अभी भी अपराध से तौबा नहीं कर रहे, क्योंकि सीएम योगी यूपी पुलिस को साफ साफ संदेश दे रहे हैं कि अगर कोई पेशेवर अपराधी अपराध करता पकड़ा गया तो फिर इसका जवाब सीधे और सीधे सीनियर अधिकारी को देना होगा, क्योंकि नो इफ नो बट और सिर्फ आदेश पर होगा अमल। माफियाओं की कमर तोड़ डालो, मंचलों को सुधार डालो, टेंडर से लेकर अवैध पार्किंग के नाम पर वसूली करने वालों को बख्शना मत, क्योंकि योगी
यही संदेश दे रहे हैं। यकीन नहीं होता तो सुनिए सीएम साहब का बयान, ध्यान से सुनिए। सड़क सुरक्षा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब 18 मई को सीएम योगी बैठक ले रहे थे, तब उनके तेवर देखकर सब दंग रह गए। माफिया प्रवृत्ति के किसी भी व्यक्ति को किसी भी ठेका पट्टे के साथ मत जुड़ने दीजिए। एक भी माफिया जुड़ेगा, उसका पूरा गैंग फिर वहां पर अनैतिक और अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा। हर एक माफिया की कमर तोड़ डालिए। कोई भी अवैध और अनैतिक गतिविधि उसको मत संचालित करने दीजिए। उसकी आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो आपका जीना हराम कर देगा। उसकी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह ब्लॉक कर देना। और ये जितने भी अवैध स्टैंड चल रहे हैं, डग्गामार बसें चल रही हैं, ओवर लोडिंग के कार्य चला, इसमें माफिया ग्रुप अभी भी हावी है। इसको रोकना, हर एक हाल में रोकना। मंत्री समूह जून प्रथम सप्ताह में हर जनपद में जाएगा। फिर से मैं भी हर जनपद में जाऊंगा। मेरे पास भी अनेक हर जनपद की रिपोर्ट प्रतिदिन आती है। उस समय मेरे पास किसी भी जनपद से कोई नकारात्मक रिपोर्ट नहीं दिखनी चाहिए। बुलडोजर वाली कार्रवाई के बाद अब सीएम योगी का शेख कदम यूपी को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में सबसे बड़े कदम में से एक साबित हो सकता है। शानी, अगर आप भविष्य में सड़क की पार्किंग का ठेका लेने की सोच रहे हैं तो यूपी में सिफारिश नहीं चलेगी। बावजूद इसके आपको ठेका मिल सकता है, मगर शर्त बस एक होगी, आपकी छवि साफ सुथरी होनी चाहिए, तो फिर आपको भी पैरवी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी योगी जानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा हो या फिर पर्यटन, तीर्थाटन और उद्योग तभी बढ़ेंगे जब अपराधी माफियाओं की कमर टूटेगी। तो योगी का ये कदम, यानी कि योगी का ये स्टाइल आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।